नमस्कार दोस्तों, कर्मचारी यूनियन यूट्यूब न्यूज चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ओआरओपी को लेकर जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, जो लगातार 2016 से चल रहा है। हमारे सभी फौजी भाई वेटरन्स अपने हक की लड़ाई वहां लड़ रहे हैं। दोस्तों, ओआरओपी को लेकर जंतर मंतर से अपडेट आ चुकी है, तो क्या है वो अपडेट, उसकी जानकारी हम वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे फौजी भाई वेटरन्स, एक्स सर्विसमैन सभी का जो धरना जंतर मंतर पर चल रहा है, वो लगातार 2016 से अब तक वो लगातार चल रहा है। उनका संघर्ष जारी है। उनका यह दृढ़ संकल्प है कि जब तक उन्हें सही वाली ओआरओपी, सही वाली उनकी वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल जाती, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार का रवैया सही नहीं है। सरकार लगातार डेट्स पर डेट्स दिए जा रही है, लेकिन जो हमारे फौजी भाई, एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स हैं, वो लगातार अपने संघर्ष की तरफ अग्रसर हैं। जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक वो लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभी जैसा कि आप सभी को पहले भी अपडेट दे चुके हैं कि जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 30 जुलाई को दी गई है, तो सभी की निगाहें अब 30 जुलाई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 30 जुलाई आने वाली जो 30 जुलाई है, उसको उम्मीद है कि हियरिंग होगी। पहले की तरह हर बार डेट जो दी जाती है वो आगे डेट नहीं दी जाएगी, 30 जुलाई को हियरिंग ज़रूर होगी। इसी उम्मीद के साथ हमारे फौजी भाई वेटरन्स भूखे प्यासे जंतर मंतर पर बैठे हैं और धरना लगातार दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे वेटरन्स फौजी भाई ऐसे हैं जो वहाँ जाकर समर्थन, जंतर मंतर पर जाकर समर्थन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो ओआरओपी के समर्थक हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार जो धरने पर बैठे हैं, उनके लिए कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर लिखें। अपनी एकता समर्थन दिखाने के लिए एक बार जय हिंद जय भारत कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा भी कर्तव्य है कि हम फौजी भाइयों, वेटरन्स के समर्थन में सोशल मीडिया के थ्रू उनकी हेल्प करें, उनके साथ अपना समर्थन जताएँ, ताकि उनका हौसला और भी बुलंद हो और वो अपने जो कार्य है उसमें अग्रसर रहें, और तभी उन्हें जो उनका सही असली हक सरकार देगी। जी हाँ दोस्तों, सभी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, तभी हमारे जो फौजी भाई, वेटरन्स, एक्स सर्विसमैन सभी को उनका असली हक, उनकी असली ओआरओपी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे सभी वेटरन्स, फौजी भाई जो भी इसके समर्थक में हैं, जो भी इसके समर्थक हैं, वो ज़रूर सोशल मीडिया के थ्रू अपना योगदान दें। इस वीडियो में यही जानकारी थी। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।